अता गया है। नजरो नियाज भी अल्लाह के लिए, कसम भी अल्लाह के लिए, इबादत भी अल्लाह के लिए, नमाज रोज़ा अल्लाह के लिए, सदका खैरात अल्लाह के लिए, अल्लाह का कुरान अपने नबी की जुबान से ऐलान करवा रहे। उल इन सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मेरे नबी ऐलान फरमा दीजिए कि मेरी नमाज अल्लाह तेरे लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह तेरे लिए, मेरा जिंदा रहना अल्लाह तेरे लिए, मेरा मरना अल्लाह तेरे लिए। तो नजरों नियाज किसके लिए? बुलंद आवाज से। मन्नतें किसके लिए? आवाज सही नहीं आ रही। अल्लाह का नाम बुलंद आवाज से। नजरो नियाज किसके लिए? अरे सब कुछ अल्लाह के लिए, इसलिए कि पैदा करने वाला अल्लाह, मुश्किलें देने वाला अल्लाह, आसानियां देने वाला अल्लाह, बीमारियां देने वाला अल्लाह, शिफा देने वाला अल्लाह, तंग दस्ती भेजने वाला अल्लाह, अमीरी देने वाला अल्लाह, बादशाह बनाने वाला अल्लाह, फकीर बनाने वाला अल्लाह, सारे हालात बदलने वाला कौन? तो नजरो नियाज भी किसके लिए? अल्लाह के लिए। इसलिए कहा अब्दुल मुत्तलिब, उठिए जरा अपनी नजर को तो पूरा कीजिए। बेटों के सामने जिक्र किया, बेटों मैंने नजर मानी थी, ये हारिस गवाह है, उस वक्त यही था, तुम सारे नहीं थे, इसलिए अब बताओ तुम्हारी क्या राय है। सब ने यक जुबान कहा, फरमा बरदार औलाद थी, नेक औलाद थी। अल्लाह सब की औलादों को नेक बनाए, जिनकी औलाद नहीं अल्लाह उनको नेक साले औलाद अता फरमाए। ये औलाद बस औकात फितना भी बन जाती है। दुआ ये करो कि अल्लाह इसको हमारे हक में अच्छा ही रखे।